26 जुलाई 2024 दोस्तों ये कोई नॉर्मल डेट नहीं है, ये डेट है 25th एनिवर्सरी पाकिस्तान को ये याद दिलाने की कि बाप बाप ही होता है, ये याद दिलाने की कि चाहे जितने भी टेररिस्ट पाल लो काम सिर्फ आर्मी सोल्जर्स ही आएंगे, ये याद दिलाने की कि ऊपर रहने वाले हमेशा नीचे ही आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। और ये एक ऐसी डेट है जो आने वाले कई सालों तक हर इंडियन शान से याद रखेगा, पर हर पाकिस्तानी इस डेट को भूलना चाहेगा क्योंकि ये है कारगिल विजय दिवस की 25th एनिवर्सरी। 1999 की वो जंग आज भी हिस्ट्री के सबसे मुश्किल और डेडली वॉर्स में से एक मानी जाती है। तो आइए बात करते हैं दुनिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड वॉर के बारे में, द कारगिल वॉर के बारे में। हम शांत चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांत की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान हमेशा से भिड़ते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान को दूसरों की चीजों में हमेशा अपनी नाक डालने की आदत रही है और 1947, 1965, 1971 की जो तीनों ही जंग हुई थी उसमें कहीं ना कहीं मेन कारण कश्मीर ही था। और 1999 में पाकिस्तान इसी चीज से बचना चाहता था जो हार उन्हें हर बार देखने को मिली है, तो इस बार उन्होंने वॉरफेयर नहीं बल्कि धोखेबाजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1972 में हुए शिमला एग्रीमेंट के चलते उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि पीक ठंडी के दौरान दोनों ही फोर्सेज यानी पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस अपनी एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड आउटपोस्ट से पीछे हट जाएंगी यानी कि उन्हें छोड़ देंगी और कोई भी अपोजिट फोर्स आके उसे कब्जे में नहीं लेगी। लेकिन दोस्तों 1999 की जनवरी में जब ठंड एकदम पीक पे थी तभी पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन बदर को इनिशिएट किया। जब ठंडी का मौसम एकदम पीक पे था तो पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के सभी एक्सट्रीम आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया और किसी को इस बारे में पता भी नहीं था। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑपरेशन बदर के हिसाब से हमले जून 1999 में शुरू होने वाले थे, जब बर्फ पिघलनी शुरू होती तो उनका मेन टारगेट और नेशनल हाईवे होने वाला था जिसे कब्जे में लेकर वो कारगिल को पूरे इंडिया से अलग करना चाहते थे और फिर और आगे बढ़ना चाहते थे जिससे पूरा कश्मीर उनके अंडर आ जाए। लेकिन दोस्तों मई 1999 में कुछ चरवाहों ने आउटपोस्ट पर कुछ हरकत देखी जो कि नॉर्मली वहां पे नहीं होती है क्योंकि पिछले 25-26 साल से शिमला एग्रीमेंट लगातार लागू था, तो इसलिए कभी भी उस टाइम पे मई के महीने में वहां पे इंडियन सोल्जर्स नहीं देखने को मिलते थे। तो उन चरवाहों ने उस आउटपोस्ट को देखा और वहां पे उन्हें कुछ आर्म्ड हरकतें देखने को मिली यानी कि वहां पे हथियारों की गतिविधि देखने को मिल रही थी और इस चीज को उन्होंने जाके इंडियन आर्मी को बताया। इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस चीज की पुष्टि की कि दुश्मन आउटपोस्ट पर कब्जा कर बैठे हैं। इस चीज की खबर मिलते ही इंडियन आर्मी ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू किया और ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया यानी कि ऑपरेशन बदर के खिलाफ ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। पर आज तक दुनिया में कभी भी इतनी ऊंचाई पर ऐसी जंग नहीं लड़ी गई थी, खासकर इतने बड़े स्केल पे। और दोस्तों इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इंडियन आर्मी के सारे बड़े हथियार जैसे कि T-72 टैंक्स, T-55 टैंक्स ये सब नाकाम हो गए क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतने हाई एल्टीट्यूड पे काम नहीं करते। और इंडियन आर्मी के पास ही बोफोर्स बच गई थी क्योंकि नीचे से ऊपर वार करने के लिए आपके पास एक सिर्फ बोफोर्स ही इतनी हल्की और इतनी मोबिलाइज करने वाली थी कि उसका आप इस्तेमाल कर सकते थे। पर दुश्मन बड़ी आसानी से मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके आपके आर्मी को नुकसान पहुंचा सकता था और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इंडियन टैंक्स का यूज नहीं हो पाया और सारा का सारा काम सिर्फ इन्फेंट्री और आर्टिलरी पर ही निर्भर था। और इन सब के बारे में पाकिस्तानी फोर्सेस ने पहले ही सोच रखा था कि इंडियन आर्मी टैंक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी तो वो सिर्फ बोफोर्स का इस्तेमाल करेगी, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आए थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक बारे में नहीं सोचा था और वो एक चीज थी इंडियन एयरफोर्स। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया जिसके चलते एयरफोर्स ग्राउंड फोर्सेस को रिकॉन, एयर स्ट्राइक्स और रेस्क्यू मिशन में मदद करने वाले थे। अलग अलग सॉर्टीज होने वाली थी फाइटर जेट साथ के साथ चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की जो कि ग्राउंड फोर्सेस को इन चीजों में मदद करती। ऑपरेशन विजय के शुरुआती प्लान्स में लगभग 200,000 इंडियन सोल्जर्स को कारगिल में मोबिलाइज करने का प्लान था लेकिन इरेगुलर टेरेन और रफ कंडीशंस की वजह से डिविजन और कॉर्प्स को मोबिलाइज करना लगभग नामुमकिन हो गया, तो इसीलिए सोल्जर्स को ब्रिगेड और बटालियन लेवल पर मूव किया गया। और इंडियन आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ सिर्फ 30,000 के आसपास ही थी जो कि अभी तक इंडिया की चारों ही जंग जो इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ा है उन सभी में से सबसे कम थी। और साथ का इस बार का हाइट फैक्टर का भी नुकसान था, जहां 5.5 मीटर की हाइट पर जंग होने वाली थी तो उस वजह से शुरुआत में इंडियन फोर्सेस को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। इंडिया की बहुत सी स्काउटिंग पार्टियां उनके कब्जे में आके मारी गई। फिर दोस्तों पाकिस्तानी फोर्सेस ने सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने 130 से ज्यादा इंडियन आउटपोस्ट को कब्जे में ले रखा था और सबसे पहला निशाना इंडियन आर्मी का ये था कि जो भी आउटपोस्ट NH-1 के साथ लगी हुई है उन सबको कब्जे में लिया जाए क्योंकि अगर उन्हें जल्दी कैप्चर नहीं किया गया तो पाकिस्तान जल्दी NH-1 पे कब्जा करके पूरे कारगिल को इंडिया से अलग कर सकता है। उसके बाद फिर सेकेंडरी टारगेट से बटालिक सेक्टर के जो भी आउटपोस्ट थे क्योंकि वो सियाचिन के एक तरह से दरवाजा माना जाता है। और फिर इन सबको टारगेट करने के बाद जंग की शुरुआत होती है। जंग की शुरुआत में तो इंडियन आर्मी को काफी नुकसान होता है पर टाइम के साथ इंडियन आर्मी इस बारे में सीखती जाती है और इम्प्रूव करती जाती है और उन्हें एक बार पता चल जाती है कि लगातार हमला करने से कुछ नहीं होगा, तो इसलिए आर्टिलरी फायर और साथ के साथ
इंडियन आर्मी की बटालियन सोल्जर्स का इस्तेमाल करने से साइमल्टेनियस जब ये चलेंगे तब जाके इस चीज से आगे बढ़ेंगे हम। और दोस्तों इस प्लान का इस्तेमाल करते हुए इंडियन आर्मी धीरे धीरे आउटपोस्ट पे आउटपोस्ट कब्जा करती जाती है, ऊंचाई पे बढ़ती जाती है। टाइगर हिल और टोलोलिंग पीक ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे क्योंकि धीरे धीरे जो भी इंडियन फोर्सेस आगे बढ़ रही थी उनके ऊपर हमला करने के लिए यही दोनों पोस्ट थी, सबसे ऊंचाई पर यही थी। अब आप इतना समझिए कि टाइगर हिल और टोलोलिंग पीक पे जो भी फोर्स मौजूद होती अपने आसपास के 75 किलोमीटर तक के एरिया को कंट्रोल कर सकती थी क्योंकि वहां से सब कुछ दिखाई देता था। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती थी क्योंकि जब आर्टिलरी वहां पे नहीं पहुंच पाई थी टाइगर हिल तक हमला करने के लिए तो इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 यूज करते थे। क्योंकि दोस्तों वहां पे जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी शुरू की रिकॉन शुरू की, एयर स्ट्राइक शुरू की, तो इंडिया के पास तो सारे प्लान थे पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसके पास उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी फोर्सेस से ऐसे चल रहे थे, खासकर मिराज 2000 इतना ज्यादा सफल था कि वो इस तरह चल रहा था कि मानो कोई गर्म चाकू किसी मक्खन से चलता है, उसी तरह मिराज 2000 पाकिस्तानी फोर्सेस को काटते हुए चल रहा था। हालांकि मिड जून तक द्रास के ज्यादातर आउटपोस्ट को कब्जे में लिया जा चुका था और कारगिल के भी ज्यादातर आउटपोस्ट कब्जे में आ चुके थे, पर टाइगर हिल अभी भी बाकी था जो 4 जुलाई 1999 को आर्मी की घातक प्लाटून ने क्लेम किया था और उसके कमांडर सिर्फ 4 महीने की सर्विस के बलवान सिंह थे। उनकी सर्विस सिर्फ 4 महीने की हुई थी और तभी उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया था। पर टाइगर हिल के बाद भी .4875 को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहाँ आते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। 7 जुलाई को अपनी कंपनी के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा ने .4875 को क्लेम करके जंग को फाइनली द्रास और कारगिल सेक्टर में खत्म कर दिया। और 14 जुलाई 1999 को बटालिक सेक्टर के कुछ बचे कुछ आउटपोस्ट को क्लेम करने के बाद ऑपरेशन विजय खत्म हुआ जो कि एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई जिसने ऑपरेशन बदर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। कारगिल वॉर एक ऐसी वॉर थी जिसने दुनिया को इंडिया की वॉरफेयर कैपेबिलिटी के बारे में दिखाया। इंडिया ने एक तरह से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम पहले हमला नहीं करते पर अगर हम पे कोई अटैक हुआ तो हम उसे डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से केपेबल है और वो चाहे कितने भी हाइट पे चाहे कितने भी डाउन साइड पे हो। और दोस्तों जिस तरह पाकिस्तान की कारगिल वॉर में हार हुई उसके बाद पाकिस्तान में एक सियासी हलचल मच गई जब अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने बगावत की और नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया और वो खुद वहां के प्रेसिडेंट खुद वहां के लीडर बन गए। कुल मिलाकर बात करें तो कारगिल वॉर में भारतीय सेना के 527 वीर सैनिक शहीद हुए और 1353 सैनिक घायल हुए थे पर वहीं पाकिस्तानी सेना के 2700 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे जो कि इंडिया के नंबर से 5 गुना से भी ज्यादा है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। पर हर साल जब भी 26 जुलाई आए तो आप सिर्फ कारगिल की जीत के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि उस जीत के पीछे उन 527 वीर सैनिकों ने अपनी जान दी थी, वो शहीद हुए थे जिससे कि इंडिया का सर हमेशा ऊंचा रहे और इंडिया को कभी सर न झुकाना पड़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।